दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरके अशोक गोयल। सोशल मीडिया पे सक्रिय रहने के कारण मेरे को बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं कुछ जानकारी लेने के लिए, कुछ अपनी समस्याएं बताने के लिए। एक युवा आर्किटेक्ट ने मेरे को कुछ महीने पहले संपर्क किया। उसने बताया कि किस तरीके से किसी क्लाइंट के लिए उसने काम किया, उसका ऑफिस रेनोवेट किया और विद मटेरियल उसने काम करना उसमें शुरू कर दिया। और क्लाइंट ने यहाँ तक भी उसको कहा कि मेरे पास बहुत बड़ा स्पेस है, मैं कुछ हिस्सा भी आपको इसमें अपना ऑफिस चलाने के लिए दे दूंगा। युवा आर्किटेक्ट था, उसकी बातों में आ गया और अजीबोगरीब शर्तों वाला उसने एग्रीमेंट भी साइन कर दिया, जिसमें यहाँ तक लिखा था कि अगर फलानी डेट तक आप काम कंप्लीट नहीं करोगे तो प्रतिदिन के हिसाब से यानी पर डे के हिसाब से आपके ऊपर इतना जुर्माना, इतने हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अब लाजमी बात है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे, इंटीरियर की साइट पे कभी भी समय पर कोई काम ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे काम ठेकेदारों पे, मजदूरों पे, कर्मचारियों पे, मिस्त्रियों पे, कारीगरों पे, बढ़ईयों पे, प्लम्बर्स पे डिपेंड करते हैं। कभी मटेरियल में कोई कमी आ जाती है, कभी उनकी कार्यशैली में कुछ ऊंच नीच रह जाती है, इसलिए काम डिले होता जाता है। और बहुत से युवा आर्किटेक्ट्स इन क्लाइंट्स के हथकंडों में फंस जाते हैं और क्लाइंट्स उनको कहते हैं अरे एग्रीमेंट साइन करो, देखिए कि रूटीन चीज़ है, इसमें कोई बड़ा मामला है नहीं, ये तो एक फॉर्मेलिटी है जो कॉन्ट्रैक्ट हम आपसे साइन करवा रहे हैं ताकि हमें भरोसा रहे कि आप समय पर काम ख़त्म कर देंगे। और इन कॉन्ट्रैक्ट के चंगुल में फंस कर ये लोग ऐसी ऐसी चीज़ों पर दस्तखत कर देते हैं जिसके कारण बाद में ना तो ये अदालत में जा सकते हैं, अगर जाएंगे तो ये जो एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है उसमें वादा खिलाफी के कारण कानूनी दिक्कतों का शिकार बनेंगे। और अगर ये नई अदालत में जाते हैं, नई कोई कोर्ट केस करते हैं, तो जो कंसल्टेंसी इन्होंने प्रोवाइड किया, और कई तो भले आदमी टर्न की भी यानी विद मटेरियल में भी लाखों रुपए का अपना नुकसान कर बैठते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है, एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे IIT रुड़की के, उसके बाद हरियाणा के आर्किटेक्चर कॉलेज में उन्होंने डायरेक्टर की पोस्ट हासिल की। नया कॉलेज शुरू हुआ था, नए तरीके से उसको स्थापित करना था और स्थापित करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए। सरकारी कॉलेज से उनको पेंशन मिल रही थी और यहाँ से उनको अलग तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन पैसा कमाने की जो लालसा है वो बड़ी विचित्र है। पैसा कमाने की उनमें बहुत लालसा थी। मेरा उनसे किसी मामले में संपर्क हुआ, उन्होंने कहा अशोक जी ये जो आर्किटेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो मेरा पार्ट टाइम काम है, मेरा मुख्य काम तो कमोडिटी का मार्केट में मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। मेरे को भी उन्होंने सुझाव दिया कि नोएडा में फलानी प्रॉपर्टी आप खरीद लीजिए, मैं आपको दिलवा दूंगा, NCR में ये प्रॉपर्टी आप ले लीजिए, 3 साल में 4 साल में पैसा दोगुना हो जाएगा। तरह तरह के उन्होंने मेरे को कह सकते हैं आप प्रलोभन दिए, मुझे ना पैसा दोगुना करना था ना 1.5 गुना, तो मैं हंस कर मुस्करा कर उनकी बात को सुन लेता था और टाल देता था। दो नावों में सवारी करने का कारण अंततोगत्वा उस आर्किटेक्चर कॉलेज से उनकी नमस्ते हो गई। उसके बावजूद भी मेरा टेलीफोन पर उनसे संपर्क बना रहा और उन्होंने कहा मेरे पास कमोडिटी में इतना पैसा आ रहा है कि मेरे को कोई चिंता नहीं है। आज उनका अता पता नहीं है कौन सी कमोडिटी मार्केट में पैसा कमा रहे हैं या कौन सी प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा कमा रहे हैं। पिछले दिनों एक बहुत बड़े ब्रोकर की डेथ हुई, 62 साल की उम्र में ये ब्रोकर साहब झुंझुनवाला जी लंबी जर्नी पर चले गए। इनके आप जगह जगह इंटरव्यू देखिए किस तरीके से उन्होंने करोड़ों रुपया शेयर मार्केट से कमाया। देखिए शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट से कोई रुपया कमाने की बात करती है, या कुछ लोग NFT में नॉन फंजिबल टोकन एक नई चीज़ आई है, या बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में पैसा कमाने की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात पहले करते हैं। शेयर मार्केट को आप समझिए,
जब कोई कहता है मैंने शेयर मार्केट में पैसा कमाया, तो उसने पैसा कहाँ से कमाया? अगर किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये का था और वो बढ़ते बढ़ते 250 या 300 का पहुंच गया और उसने बड़े भाव में बेच दिया, तो किसी व्यक्ति ने उस शेयर को खरीदा, तभी इस व्यक्ति का शेयर बिका। तो 100 का शेयर खरीद के अगर उसने 250 में बेचा, तो जिस व्यक्ति ने 250 का शेयर खरीदा उसका क्या हश्र हुआ? अगर शेयर की कीमत बढ़ती है तो जिसने बेचा उसने अपना नुकसान उठाया, अगर शेयर की कीमत घटती है तो जिसने खरीदा उसने नुकसान उठाया। तो कमाया किसने? क्या शेयर मार्केट में कंपनियां पैसा दे रही हैं आपको कमाने के लिए, या शेयर मार्केट में भारत सरकार से फंडिंग हो रही है जिसका पैसा लोगों में बट रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा, किसी की जेब से आ रहा है, किसी की जेब से जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है मैंने शेयर मार्केट में पैसा कमाया, तो उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पैसा उसके पास आया, जो अतिरिक्त पैसा उसके पास आया, वो किसी और व्यक्ति ने लुटाया भी है। तो युवा आर्किट्स को मैं बार बार इसी बात से आगाह करता हूं कि प्रलोभन में ना फंसे, फटाफट पैसा कमाने की मत सोचिए। अगर आपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है, आपने आर्किटेक्चर प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो तरह तरह के प्रलोभन देने वाले आपको मिलेंगे। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए डेवलपमेंट बहुत सारा हो रहा है, तो वहाँ के बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर आपको मिलेंगे। वो कहेंगे अरे शर्मा जी, गुप्ता जी, वर्मा जी, क्या काम कर रहे हो? क्या 5% 2% कंसल्टेंसी पे काम करते हो? प्रोजेक्ट कॉस्ट 3 लाख है या 2.5 लाख है, क्या मिला आपको? 15-20 हज़ार रुपये के लिए पूरे दिन अपने ऑफिस में स्टे कराते हो, प्रॉपर्टी में मेरे साथ पार्टनरशिप करो, नए प्लॉट्स खरीदेंगे, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 2 साल में 3 साल में 4 गुना 8 गुना हो जाएगा। दोस्तों, कंसल्टेंसी में सबसे बड़ी सहूलियत आपके पास ये रहती है कि आपकी जेब से कुछ नहीं जाता। क्लाइंट अगर आपके 10 किस्त में से 2 किस्त मार भी लेगा, तब भी 8 किस्तें आपने कमा ली। लेकिन आप अगर अपनी जेब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने माँ बाप का पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, माँ बाप मान लीजिए आपके नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उनको इतना अनुभव नहीं है शेयर मार्केट का या NFT मार्केट का या क्रिप्टो करेंसी का या सट्टा मार्केट का या कमोडिटी मार्केट का, और आपके मिलने जुलने वाले विद्वानों के चक्कर में फंसकर आप इसमें किसी भी फील्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो पैसा आपके माँ बाप ने कमाया था या आपके पुश्तैनी पैसा था, और आप इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने नए नए दोस्तों के कारण, तो इस बात को समझ लीजिए कि आप कुछ कमाने नहीं जा रहे, जिसके हाथों बेवकूफ बनने जा रहे। आर्किटेक्ट नए जब बनते हैं तो उनको सबसे बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है पुराने आर्किटेक्ट्स के साथ, जो सिविल इंजीनियर उस फील्ड में बैठे काम कर रहे हैं या जो नक्शानवीस काम कर रहे हैं, जिन्होंने सरकारी दफ्तरों में सांठगांठ बिठा रखी है, वहाँ रिश्वत का लेन देन जो चल रहा है उसको नए आर्किट्स नहीं समझ पाते, वहाँ जो माया का आदान प्रदान चल रहा है उसको नए आर्किट्स नहीं समझ पाते, किस तरीके से किस सरकारी अधिकारी को खुश करके आप बिल्डिंग प्लान सेंक्शन करा सकते हो, किस तरीके से साइट्स पे आप ठेकेदारों के साथ सही तालमेल बनाकर न सिर्फ ठेकेदारों से सही प्रकार से काम ले सकते हो बल्कि क्लाइंट से भी अपनी फीस की किस्तें ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको कोई इंटर्नशिप नहीं सिखा सकती, ये सारी चीज़ें आपको कोई सीनियर आर्किटेक्ट नहीं सिखा सकता, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ अनुभव से आएंगी। और अगर आप अनुभव प्राप्त कर रहे हो, धीरे धीरे अनुभव प्राप्त कीजिए, बहुत से तेज दौड़ने की कोशिश मत कीजिए। देश भर में फर्जी आर्किटेक्ट्स की भरमार है, तो युवा आर्किटेक्ट्स मेरे से कहते हैं सर ये 2,000 रुपये में नक्शा बना रहे हैं, 1,500 रुपये नक्शा बना रहे हैं, हमारे पास कौन आएगा, हमें कोई 20,000 रुपये क्यों देगा? उनके बड़े बड़े ऑफिस हैं, यंग आर्किटेक्ट्स के पास ना ऑफिस का किराया देने की क्षमता है, ना अपने स्टाफ को सैलरी देने की क्षमता है, क्योंकि आमदनी आएगी तो खर्चा होगा, लेकिन उनके खर्चे होते रहते हैं, आमदनी का सोर्स उनको दिखाई नहीं देता। तो उनको लगातार ये लगता है कि ये जो फर्जी आर्किटेक्ट्स हैं, इन्होंने
अगर मैं युवा आर्किट्स की भाषा में कहूँ तो उन्होंने मार्केट का रेट खराब कर दिया। मार्केट का रेट क्या है? कंसल्टेंसी में जो पैसे आपके और आपके क्लाइंट के बीच में तय होते हैं वही मार्केट का रेट है। अगर आपका क्लाइंट आपको किसी हाउस को या किसी प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के 20,000 या 2,00,000 रुपये दे रहा है तो वो आपका और आपके क्लाइंट के बीच का तय हुआ वो मार्केट रेट है। अब उसी गतिविधि को उसी कार्य को करने के लिए कोई ऑटोकैड वाला या कोई नक्शानवीस या कोई ड्राफ्ट्समैन या कोई डिप्लोमा सिविल वाला उसके एक चौथाई में या एक तिहाई में काम करता है तो वो उसका मार्केट रेट है। और वो व्यक्ति आपका क्लाइंट इस वजह से तोड़ के ले जाता है कि उसने एक तिहाई में या एक चौथाई में उसको ऑफर दिया और आपके तथाकथित क्लाइंट को वो ऑफर उचित लगा तो लाजमी बात है कि वो क्लाइंट आपका नहीं रहेगा, वो उस सो कॉल्ड फर्जी आर्किट का क्लाइंट बन जाएगा। इसका हल क्या है? देखा जाए तो इसका कोई हल नहीं है। जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे, जब भी आप जिस भी फील्ड में आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे तो लगातार आपका उन लोगों के साथ कंपटीशन तो रहेगा ही जो लोग पहले से वहां पर स्थापित हैं। अगर स्थापित लोगों के साथ आपको कंपटीशन में आना है, उनसे ज़्यादा क्लाइंट्स या क्लाइंटेज आपको हासिल करनी है, तो आपको उनको हर तरीके से चुनौती देनी होगी। फीस के मामले में भी, क्वालिटी के मामले में भी, कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में भी, प्रस्तुतिकरण के मामले में भी, प्रेजेंटेशन के मामले में भी। अगर कोई ऑटोकैड वाला रंग बिरंगी ड्राइंग्स बनाकर प्लान एलिवेशन सेक्शन वॉक थ्रू बनाकर किसी क्लाइंट को प्रभावित कर सकता है तो नए युवा आर्किटेक्ट्स क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई नक्शानवीस किसी एक कम मूल्य पे हाउस प्लान बनाकर उसको 10 सैंपल उसको फ्री में दे सकता है तो नए युवा आर्किटेक्ट क्यों नहीं कर सकते? आप एक चीज देखिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां शैम्पू बनाती हैं, पुराने ज़माने में ये सब लोग 100 ml, 200 ml, 500 ml, 50 ml के पैकिंग करती थी। इवन फेस क्रीम वाले, गोरा होने वाली क्रीम वाले भी, आज उनके 1 रुपये वाले 2 रुपये वाले पाउचेस भी आ गए और लंबे समय से 1 और 2 रुपये वाले पाउचेस बाजार में हर करियाने की दुकान पे लटकते हुए दिखाई देंगे। उनको दिखाई दे गया कि सारा जो पैसा आएगा वो वॉल्यूम से आएगा, जितनी ज़्यादा सेल होगी भले ही उसमें मार्जिन प्रॉफिट बहुत कम हो लेकिन वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो फेयर एंड लवली लगाने के लिए गांव की एक युवती 250 रुपये वाली शीशी नहीं खरीदेगी, वो 5 रुपये वाला पाउच खरीद के प्रयास तो करेगी शायद मैं रातों रात सुंदर बन जाऊँ। तो वही बात आर्किटेक्चर की फील्ड में भी है कि बहुत सारे लोग जैसे तैसे करके कहीं से धनराशि का जुगाड़ करके प्लॉट खरीद लेते हैं, उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाती किसी आर्किटेक्ट के दफ्तर में घुस सकें। मैं छोटे क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, जब आप आर्किटेक्चर कॉलेज से पास करके निकलेंगे आपको छोटे क्लाइंट मिलने वाले हैं। कोई सीधा दफ्तर में आपके धड़धड़ा होता हुआ नहीं आएगा, कहेगा मिस्टर शर्मा ये मेरा 5 एकड़ का प्लॉट है, मेरे को एक फार्म हाउस बनवाना है और मेरे को इसकी रूपरेखा चाहिए, बताइए क्या लेंगे आप? मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। जब मैंने आर्किटेक्चर पास किया था मैंने कभी कहीं नौकरी नहीं की, लगातार अपनी प्रैक्टिस करता था, तो एक छोटे से कमरे में मैंने अपना दफ्तर शुरू किया था, वहीं पर एक सेटी लगा रखी थी जिसपे मैं दोपहर को सो जाया करता था, दरवाजा अंदर से बंद कर लेता था, बाहर बोर्ड लगा रखा था अशोक गोयल आर्किटेक्ट का। दोपहर 2:30-3 बजे एक साहब ने दरवाजा खटखटाया, मैंने खोला, एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति था, उसके हाथ में एक थैला था, जैसे थैले मसाले इत्यादि के कंपनियां बांटती हैं जूट के थैले, वो थैला था उसके हाथ में।
बहुत काला कलूटा सा छोटी कद काठी का वो व्यक्ति था। उसने मेरे को अशोक को इलाज के टाफ है, मैंने कहा जी फरमाइए। उसने कहा जी मेरे को नक्शा बनवाना है नोएडा के लिए, मेरा 800 गज का प्लॉट है। वो मेरा की बजाय हमारा बोल रहा था। मैं नींद में था, उसको बिठाया कुर्सी मेज के साथ, दो कुर्सियां लगी हुई थी, एक मेरे बैठने की, दो क्लाइंट्स के बैठने की, उसमें बिठाया। मैंने कहा प्लॉट के पेपर्स लाए, उसने दिखा दिए मेरे को पेपर्स। उस समय नोएडा में मैं बहुत सारे बिल्डिंग प्लान सेंक्शन करा रहा था और नोएडा में कार्यक्रम शुरू ही हुआ था। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत प्लॉट आवंटित किए थे, रेजिडेंशियल भी इंडस्ट्रियल भी, और नोएडा का मेरा बहुत काम था, बहुत बिल्डिंग प्लान मेरा सेंक्शन होने के लिए आते थे और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही थी लगातार। मेरा वहाँ पर बिल्डिंग प्लान सेंक्शन कराने का काम धुआंधार तरीके से चल रहा था। मैंने उसका 800 गज के जो मैंने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के डिज़ाइन बनाए थे कुछ उसको प्लान्स दिखा दिए और मैंने उसको कहा ये ले जाओ, उनके ब्लूप्रिंट मैंने कहा ले जाओ अपने लाला जी को दिखा देना और बता देना ये मेरे चार्जेस हैं और 20 से 25 दिन में मैं आपको सेंक्शन करा के दे दूँगा, इसमें से जो पसंद आया बता दीजिए नहीं तो मैं उसके हिसाब से डिज़ाइन चेंज कर दूँगा। उसने कहा कौन से लाला जी को दिखाऊँ? मैंने कहा जिनका ये प्लॉट है। कहता आपको किसने कहा किसी लाला जी का प्लॉट है? मैंने कहा मैंने सोचा किसी लाला जी ने आपको मेरे को बस भेजा होगा ये 800 गज का बिल्डिंग प्लान के लिए जानकारी लेने के लिए, से मैंने आपको बोला। कहता अशोक जी मेरा प्लॉट है ये। मैंने क्या काम करते हैं आप? उसने बताया सब्जी मंडी एरिया में पुल बंगश के पास, आजकल वहाँ मेट्रो स्टेशन बन गया है, वहाँ मैं सड़क पर बैठ के मिर्च मसाले धनिया पुदीना धनिया और ये लाल मिर्च वगैरह पिसी हुई कुटी हुई बोरियाँ भर के वहाँ रखता हूँ और मैं बेचता हूँ। इसे हिंदी में एक शब्द बोलते हैं किंकर्तव्य विमूढ़, यानी आश्चर्यचकित होना। तो मैं आश्चर्यचकित हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी और का प्लॉट होगा आप उनके लिए काम करते होंगे। कहते हैं नहीं नहीं मेरा प्लॉट है और नोएडा में इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल रहे थे, अखबार में विज्ञापन देखा और ये मैंने आवेदन कर दिया और मुझे प्लॉट मिल गया। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है अशोक जी, लेकिन मैं धीरे धीरे करके इसको बनाऊँगा और वहाँ अपने मिर्च मसाले पीसने की फैक्ट्री लगाऊंगा। अभी मैं लोकल कर्मचारियों से